आदमी ना बनावटी होगा ना, वो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी दोनों ठोकता है। हा? जो नई नई अंग्रेजी, हमने जब नई नई अंग्रेजी सीखी थी ना, तब हम बहुत ज्यादा हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू। खैर हमने सीखी इतनी है भगवान की कृपा से, इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जो नई नई अंग्रेजी सीखता है, दो तीन चीजों का हमने आकलन किया, जिसकी नई नई पहली बार कार आवे, कार चाबी का छल्ला। और बता, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है। अब डीजल महंगा होने का कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो चाबी दिखाना है कि कार है। एक सज्जन हमारे पास आए, मोटी चेन नई नई उन्होंने पहनी, हमारे पास आके बोले, आजकल गुरुजी गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा परेशान, क्या बताएं, लगता है सेल्सियस 40 के ऊपर जा रहा है। हम तो समझ गए कि जी गर्मी से हैरान नहीं है, चैन से परेशान है, चैन के कारण भी चैन है। चैन के कारण हमने भी कहा, गर्मी बेटा दो प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, दूसरी पैसों की गर्मी, लक कौन सी रही वो बता। तुम्हें कौन सी लग रही, मौसम की लगे तो एसी चलवा है, और पैसों की लग रही हो तो दान करो। बोलो जय सिया राम। अब ये मत पूछना कि वो आदमी भी ग्रेटर नोएडा का था, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हमें दो दिन रहना है। बोलो जय सिया राम। तो दिखावटी कई लोगों की आदत, ऐसी पूतना मौसी बनावटी रूप धारण करके आई, तो शब्द भी कुछ संस्कृत कुछ ब्रजभाषा मिलावटी। अच्छा, जो अध कुचरा होते हैं, हमारे गांव में एक आदमी मर गया, छन्नू लाल, अब है नहीं, छन्नू लाल उसका नाम था, छन्नू लाल नाई। छन्नू लाल जी है नहीं, पर उन्होंने नई नई अंग्रेजी सीखी अंग्रेजों से बात करने के लिए। गांव में आए अंग्रेज, अंग्रेजी भी उन्होंने टूटी फटी सीखी, और अंग्रेजों को उन्हें बतानी थी कि यहां बहुत धूल है, तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा, दिस इज धूलई धूरा। उन्हें अंग्रेजी में कहनी थी बहुत धूल है, तो उन्होंने जो है आधी हिंदी आधी अंग्रेजी लपेट के क्या बोले, बोले दिस इज धूलई धूरा। बोलो जय सियाराम।